Hi, this is Ishan. Hi, Maya. And welcome back to the... Welcome to the Hubang Show. Remember the toughest Indian military training video? The one they training for 40 hours. So this is another video by the same channel. This is the title of the video is Operation Cactus, how Indian Armed Forces save Maldives. Okay. So this is requested by Mr. Ron Raj. Ron Raj. Assuming he's a Mr. Anyway, yeah. So another one. We were amazed by how intensified or how tough The training process, the training part. We have checked out the training part. So we're gonna check out, this is the operational mission or something like that. So this is how they implement what they got from the training process. So without any further ado, just gonna check it out. Indra KUV 100 Next and Tons of Charged co-presents Battle Ops, co-powered by Swiggy, Suzuki Intruder, Gillette Mark 3, Parle G and Crabtree. So many sponsors. Good. We need them. Wow. जिसमें 200 के लगभग द्वीप हैं, ये श्रीलंका के दक्षिण में स्थित है, और इसकी राजधानी माले केवल दो वर्ग में है। ओह कच्ची है। This is the capital. Yeah. अपने white sand beaches और साफ सुथरे समंदर की वजह से बहुत से टूरिस्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन भारत के लिए इस देश का अलग ही महत्व है। मेरे हिसाब से मालदीव्स हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी है, और हमें किसी भी हालत में मालदीव को अपने से दूर नहीं होने देना चाहिए। लेकिन हालात ऐसे थे कि उन दिनों हम पाकिस्तानी F-4 पैंथम फाइटर्स के प्रशंसक थे। मैं अपने सहयोगियों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप जानते हैं कि मालदीव भारत से कितना दूर है, क्योंकि एक पैंथम फाइटर वहां से आसानी से बैंगलोर पहुंचकर एक बॉम्ब गिरा सकता है, वो बस इतना ही दूर है। भारत के लगभग सभी मालवाहक जहाज मालदीव से होकर गुजरते हैं, और भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं ताकि चीन हिंद महासागर पर अपना कब्जा न बना पाए। मालदीव 1965 में अंग्रेजों से आजाद हुआ था, और राष्ट्रपति गयूम इस देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1978 में राष्ट्रपति इब्राहिम नासिर के बाद ये पद संभाल लिया था, जो कि बाद में देश छोड़कर चले गए थे। 1980 और 1983 में उनका तख्ता पलटने की दो नाकाम कोशिशें की गई। 3 नवंबर 1988 को की जाने वाली कोशिश उनका तख्ता पलटने की तीसरी कोशिश थी। 3 नवंबर 1988 से दो दिन पहले सुबह 8:30 बजे अब्दुल्ला लतीफी के नेतृत्व में 80 लोगों के एक समूह ने दो फिशिंग ट्रॉलर्स का अपहरण कर लिया। जब वो माले पहुंचे, एक ट्रॉलर ने प्रेसिडेंशियल जेटी में लंगर डाला और दूसरे ट्रॉलर ने कमर्शियल हार्बर में। मालदीव के विदेश सचिव इब्राहिम जाकी कई देशों को फोन कॉल्स कर रहे थे, जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत शामिल थे। पाकिस्तान और श्रीलंका ने अपनी कैपेबल ना होने की बात कहते हुए इनकार कर दिया। सिंगापुर ने भी ऐसा ही किया। ब्रिटेन ने कहा कि भारत से मदद मांगो, क्योंकि ये इलाका उसकी हद में है। अमेरिका ने कहा कि अमेरिकन आइलैंड डियागो गार्सिया लगभग 1000 किलोमीटर दूर है, और सेना को मालदीव में पहुंचने में 1-2 दिन लग सकते हैं। बचाव दल को माले शहर में पहुंचने के लिए कुछ ज्यादा समय भी लग सकता है। तभी भारत का जवाब आया। वक्त बहुत कीमती था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी उस दिन कोलकाता से वापस आ रहे थे। उन्होंने साउथ ब्लॉक में तत्काल एक बैठक बुलाई। मालदीव के लोगों ने मुश्किल के समय में भारत को याद किया था, और भारत की शानदार सेना मदद के लिए बिना वक्त गवाए अपने काम में पूरी तरह से जुट गई थी। 398 इंसान पहली बार ऐसा काम करने जा रहे थे जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। भारतीय पैराट्रूपर्स और वायुसेना मालदीव में थे। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर सभी बहुत ज्यादा चिंतित थे, लेकिन वो हैं कहां? क्या कोई और भी होलहुले एयरफील पर लैंड करने वाला है? फेज वन में 6 पैराज और 3 पैरा के 160 जवानों को होलहुले एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। 6 पैरा एक कंपनी माले जाएगी, दूसरी कंपनी रुपिंदर की कंपनी के साथ मिलकर होलहुले हवाई अड्डे को सुरक्षित करेगी, और जब तीसरी कंपनी आएगी तो वो बाकी के सारे काम पूरे करेगी। फैसला किया गया कि ATC द्वारा रनवे की लाइट्स को स्विच ऑन और ऑफ करना पहला सिग्नल होगा। दूसरा सिग्नल HUDIA पासवर्ड था। अगर किसी वजह से पासवर्ड ना दिया जा सके और हवाई अड्डे पर विरोधी हो, तो हवाई अड्डे पर कब्जा करने के लिए 60 लोगों को नीचे उतारा जाएगा। फेज टू, 6 पैरा की एक कंपनी को दक्षिण पश्चिम माले की तरफ जाकर राष्ट्रपति गयूम को बचाना है, और बीच हेड को सुरक्षित करना है ताकि वहाँ पर उतरा जा सके। फेज 3, होलहुले में सब इकट्ठा होंगे,
थ्री पैरा सिक्स पैरा का साथ देकर मजबूती देगा। फेस फोर, राष्ट्रपति गयों को जल्द से जल्द सुरक्षित करना। ब्रिगेडियर बलसारा और कर्नल जोशी की अगुवाई में 398 पैरा ट्रूपर्स एयरफील्ड पर उतर गए। ब्रिगेडियर बलसारा ने सैनिकों को जल्दी से माले जाने के लिए विभाजित किया। मेजर ढिल्लो के नेतृत्व में 27 पैरा ट्रूपर्स की एक टीम को माले बीच हेड के लिए रवाना किया गया ताकि वो राष्ट्रपति गयों को सुरक्षित यहां ला सकें। ब्रिगेडियर जोशी की अगुवाई में आरजेएस किश्तियों और सैनिकों के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़े और वहां पहुंच गए। पूरा इलाका बुरे हाल में था। कैप्टन आर डी पुनेकर के नेतृत्व में 10 सैनिकों की एक अन्य टीम को मरीन ड्राइव जेटी की तरफ भेजा गया। उनका काम उन विद्रोहियों को गुमराह करना था जिन्होंने जेटी पर कब्जा कर रखा था। मैं हलूले पहुंचने वाला पहला शख्स था। हम नौकाओं से बाहर आए, इलाके को सुरक्षित और अपने कब्जे में किया। हमने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली और गाइड्स का इंतजार करने लगे। द्वीप पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। मस्जिद की रोशनी के अलावा कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक मैंने साइकिल पर एक आदमी को देखा। वो कमीज और लुंगी पहने हुए था। हमने ऐसा दिखाया जैसे हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब वो मेरे पास पहुंचा तो मैंने उसे साइकिल से उठा लिया। वो बुरी तरह से डर गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो हमारा गाइड है। उसके बाद में वो हमें उपरक्षा मंत्री के घर ले गया। उपरक्षा मंत्री के घर पहुँचना किसी कामयाबी से कम नहीं था। सुबह हुई लड़ाई में मंत्री जी घायल हो गए थे। ये देखकर मेजर ढिल्लो चिंतित हो गए। आदेश के मुताबिक किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति गयूम को आंच नहीं आनी चाहिए। अब भारतीय सैनिकों की मौजूदगी में उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। उप रक्षा मंत्री ने एक गाइड को सैनिकों के साथ राष्ट्रपति गयूम के सुरक्षित घर की तरफ रवाना कर दिया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि गेट पर खड़े एनएसएस सैनिकों को भरोसा नहीं था कि सामने खड़े सैनिक भारतीय सेना से हैं। ब्रिगेडियर बलसारा अपना सब्र खो रहे थे। ढिल्लो और उनकी टीम गार्ड्स को ये बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें राष्ट्रपति गयूम से मिलने दिया जाए। ब्रिगेडियर बलसारा ने मेजर ढिल्लो से कहा कि अगर कुछ भी काम नहीं करता तो गोली चलाकर रास्ता बना लो। सौभाग्य से उन्होंने कुछ सिख सैनिकों को देखा, तब उन्हें यकीन हुआ कि ये विद्रोही नहीं हो सकते। मैंने फिर अंदर से गेट खोला और सब ठीक हो गया। और फिर मैंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, भारतीय सेना की तरफ से अभिनंदन स्वीकार करें। चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ हमारे पास काफ़ी सैनिक हैं, सब कुछ नियंत्रण में। वो ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो एक बड़े ही मुश्किल समय से गुजरे थे। मैंने उनकी पत्नी को सल्यूट किया। वो मेरे कंधों पर सिर रख कर रोने लगी। मैंने उनसे कहा कि चिंता न करें, सब कुछ नियंत्रण में है, हम सब संभाल लेंगे। राष्ट्रपति सुरक्षित थे, फिर भी भारतीय रक्षा बलों के लिए जीत का क्षण नहीं था। हालांकि खास लक्ष्य 7.5 घंटे में हासिल कर लिया गया था, लेकिन मालदीव की राजधानी माले अभी भी भारतीय सेना के नियंत्रण में नहीं थी। मालदीव के शिक्षा मंत्री और उनकी स्विट्जरलैंड की नागरिक सास को विद्रोहियों ने बंधक बना लिया था। लुतीफी का कोई अता पता नहीं था और विद्रोही पूरे शहर में बेधड़क घूम रहे थे। सबसे पहले राजदूत बैनर्जी की नजर समुद्र में जगमगाते हुए एमवी प्रोग्रेस लाइट नाम के जहाज पर पड़ी। हम हवाई अड्डे पर खड़े होकर माले को देख रहे थे और हमने उन सभी जहाजों को देखा जिनकी लाइट्स ऑन थी, और वो भी जो वहाँ लंगर डाले हुए थे। हम उस तरफ देख रहे थे जहाजों की तरफ, और तभी मेरे दिमाग में ये बात आई कि इनमें से कुछ जहाज उन लोगों के होंगे जो यहाँ तख्ता पलटने आए हैं। तभी मैं चौंका और एक जहाज ने चलना शुरू कर दिया था। फारूक मेरे पास ही खड़ा था और मैंने कहा, ब्रिगेडियर बलसारा, मुझे लगता है कि ये वही जहाज है। तभी पता चला कि लुतीफी ने माले बंदरगाह से एक जहाज का अपहरण कर लिया है। एटीसी से एक लेफ्टिनेंट दौड़ के नीचे आया और उसने बताया कि जिस जहाज ने बंधकों को पकड़ रखा है वो भाग रहा है। उसमें 70 विद्रोही और 7 बंधक थे, जिसमें मालदीव के शिक्षा मंत्री अहमद मुस्तफा और उनकी स्विस सास भी शामिल थी। ब्रिगेडियर बलसारा ने हमले का हुक्म दिया और जैसे ही आदेश मिला सबने जहाज पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। रॉकेट लॉन्चर, एमएमजी, स्मॉल आर्म से फायरिंग शुरू हो गई। हमने पहले से ही कुछ लोगों को द्वीप के अलग हिस्से में भेज रखा था। उन्होंने जहाज पर पूरे 3 वार किए, जिसमें से एक ने जहाज को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर से 3 बार विस्फोटकों को दागा गया। एक पानी से उछलकर जहाज के स्टीयरिंग सिस्टम को लगा। मेरे जवानों ने जहाज पर गोलियां चलाई। उन्होंने जहाज में 2 जगहों पर छेद कर दिए। जहाज को बाईं तरफ काफी
नुकसान पहुंचा और वो बाईं तरफ झुकने लगा। जहाज का स्टीयरिंग जैम हो गया था और ये जहाज मलाका की तरफ जा रहे बहुत से जहाजों की भीड़ में खो सकता था। अगर ऐसा हुआ तो लतीफी कभी पकड़ा नहीं जाएगा। नौसेना को जहाज के बारे में तुरंत सतर्क किया गया। मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। लतीफी को पकड़ना इस मिशन का आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण था। हुलहुले से निकल रही सिक्स पैरा की यूनिट को धानीडू आइलैंड की तरफ से एक विद्रोही नौका आती दिखाई दी। प्रीतम सिंह ने आदत के मुताबिक मुझसे कहा, सर मेरी पगड़ी ढीली हो गई है, विद्रोही भाग रहे हैं, मुझे उन्हें पकड़ना होगा। उसने एक हाथ अपनी पगड़ी पर रखा और भागते हुए नाव पर चढ़ गया और एक विद्रोही को पकड़ लिया। बाद में उसने अपने चार साथियों के साथ विद्रोहियों की नाव का पीछा किया। प्रीतम ने उन्हें पकड़ा, फिर उसने देखा कि द्वीप के उत्तर पश्चिम की तरफ से हिंद महासागर में बहुत सी चीजों को फेंका जा रहा है, जिनमें से कुछ चीजें बहुत कीमती थी। हमने उन्हें इकट्ठा किया और उचित कार्रवाई के साथ उन्हें सौंप दिया मालदीव सरकार को, और हमने इसके लिए वहाँ पर कुछ कागजी काम भी किया जो करना जरूरी था, और वो लोग बहुत खुश थे। वो लोग समझ गए कि हम इन मामलों में बहुत ईमानदार हैं, और राष्ट्रपति सहित सभी लोगों ने इसकी बहुत प्रशंसा की। यूएस फ्लोटिला एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें एक दूसरा जहाज भी शामिल था, मालदीव से 3 घंटे की दूरी पर पहुंच गया था। उसके कमांडर ने भारतीय सैनिकों की मदद करने की अनुमति मांगी, मगर भारतीय सेना को किसी तरह की मदद की जरूरत नहीं थी। हमारे सैनिक वो कर चुके थे जो उन्हें करना था। इसके अतिरिक्त मालदीव के अधिकारियों ने हुलहुले तक आने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति गयूम ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को फोन किया और भारतीय सेनाओं के काम से खुश होकर उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति गयूम ने आदेश दिया कि ऑपरेशन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ब्रिगेडियर बलसारा एक सच्चे सिपाही की तरह सावधानी बरतना चाहते थे। उन्होंने देश की नौकाओं के साथ मिलकर एक ऐसा घेरा बनाया ताकि एक भी विद्रोही बच के ना निकल सके। 4 नवंबर की शाम को एक IL-38 एयरक्राफ्ट ने समुद्र में MV प्रोग्रेस लाइट को देखा। INS बेतवा पास में था, INS गोदावरी भी वहीं था, और दोनों जहाज MV प्रोग्रेस लाइट की तरफ बढ़े। उन्होंने अपनी दिशा बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन किस्मत लुतीफी के साथ नहीं थी। INS गोदावरी के कैप्टन SV गोपालाचारी जल्दी ही मौके पर पहुंच गए और मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हो गया। पीछे पीछे INS बेतवा भी वहां आ गया। लुतीफी को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भारतीय सेना ऐसी हरकतों को सहन नहीं करती है। सेना ने 30mm एंटी एयरक्राफ्ट कैनन से उन पर हमला किया, जिससे जहाज का अगला हिस्सा टूट गया और वहां रखी स्पीड बोट को काफी नुकसान पहुंचा, जो विद्रोहियों के बचने की आखिरी उम्मीद थी। कुछ विद्रोहियों ने नाव से छलांग लगा दी और कुछ मर गए। गेदमारी सीकिंग हेलीकॉप्टर ने घायल बंधकों को उठाना शुरू किया। मालदीव के मंत्री और उनकी सास को बचा लिया गया। लुतीफी के तख्ता पलट की कोशिश को भारतीय रक्षा बलों ने बुरी तरह से नाकाम कर दिया था। ऑपरेशन कैक्टस आधिकारिक रूप से सफल हो गया। लुतीफी का सपना टूट गया। भारतीय सेना ने वो काम किया जो पहले कभी नहीं किया गया था। उन्होंने अनजान इलाके में जाकर शानदार काम किया, जिसे देखकर बाकी दुनिया हैरत में पड़ गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने कथित तौर पर टिप्पणी की, भारत के लिए ईश्वर का आभार। राष्ट्रपति गयूम की सरकार बचाई गई। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने भारत की कार्रवाई के लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की, इसे क्षेत्रीय स्थिरता में एक महत्वपूर्ण योगदान कहा। लुतीफी को तख्ता पलटने की कोशिश के लिए मृत्यु की सजा सुनाई गई। बाद में गयूम ने उसकी मौत की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया। सेना, वायुसेना और नौसेना ने आपस में मिलकर काम किया, इसलिए ये तीनों सेनाओं द्वारा एक मिला जुला ऑपरेशन था। हमने हाई स्टैंडर्ड सेट किए, तीनों रक्षा बलों ने अपने लिए हाई स्टैंडर्ड सेट किए। हम बेहतर कर सकते थे, लेकिन हमने बेहतरीन काम किया। Watching like a movie? Yeah, like watching a movie. Like watching a movie with, from the start to finish? Yeah, we kind of show, we see how the strategy of from phase 1 to phase 4, how they kind of save the president and all the hostages. It's amazing though, like the visualization, it was like playing a game though. Yeah, I thought there was like something like Command and Conquer, I don't know if you know the game. I think that looks like a game, but I don't know the name of the game. Moving on. Okay, so I thought really, I kind of like, really like watching a movie though. That's what I thought. That's like from the, I kind of like imagine myself, this is like a 90 minutes, like a 90 minutes to 2 hours video or movie. And I thought that was
the narration was splendidly done. I thought it was I really like it. I really can't imagine. Oh, you know, like you can really like narrate it inside your own head, like what is really going on. Yeah, yeah. But I don't know. We've never heard of this Operation Cactus until this video. Yeah, yeah. It happened in 1988. 1980s. Yeah. I think a lot of this so-called achievement, I think needs to be celebrated more. Mm-hmm. You know, for us to know really what. Mm-hmm. Don't you think so? Like for example, we forgot a lot of our past or hero. Jadi kayak sometimes we need to be constantly reminded of what it is. Like for example, this is not from the Indian context. Recently, I asked my younger, what's it called, nephew. I asked my younger nephew, like, you know, just out of curiosity, you know, like, hey, have you, you know, we were talking about like places to go, and I told him like, oh, one of the places that I would like to visit in Indonesia is Timor Leste. Then I said, why Timor Leste? Because Timor Timur used to be a part of Indonesia. You know what their reply is? Really? Or they don't know. They don't know. Yeah. You know, like as simple as that. Or like I showed to my younger nephew also, like, hey, this is my favorite song, Oasis Wonderwall. Yeah, yeah. And then what they say? Who? Anyway, guys. They don't know about Oasis. Oh my. Anyway, guys, thank you for watching. Thank you for watching and bye. Are you still here? They're still watching. Oh, thank you so much for watching. Till the end. This second. Thank you so much. Don't forget to while you're here, don't forget to subscribe. Don't forget to hit the like button. And guys, if you are looking for advertising, email us at humangshow@gmail.com. Or even better, go to our Patreon page. We got lots of good stuff. The link is on the description. Yeah. You know, we've been doing this for quite well. We've been asking them to do. Nobody go to our Patreon page. But maybe after this. Anyway, guys, as always. Thank you for watching. Thank you.